पांडुचेरी में आयोजित 36वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक एवं महिला वर्ग में राजस्थान कांस्य पदक जीता। जिला वॉलीबॉल बाड़मेर के कोषाध्यक्ष मूलाराम चौधरी ने बताया कि पांडुचेरी में 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक फेडरेशन कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दुष्यंत सिंह जाखड़ की कप्तानी में राजस्थान ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पुंडुचेरी में आयोजित 36वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष टीम स्वर्ण पदक विजेता एवं महिला वर्ग में राजस्थान कांस्य पदक विजेता रहे। जिला वॉलीबॉल संघ बाड़मेर के सचिव श्री हेमाराम चौधरी एवं कोषाध्यक्ष मूलाराम चौधरी ने बताया कि पुंडुचेरी में 20 से 26 अप्रैल तक आयोजित फेडरेशन कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दुष्यंत सिंह जाखड़ की कप्तानी में राजस्थान ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। फाइनल मैच में राजस्थान ने हरियाणा को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी दुष्यंत सिंह, अजय कुमार, रोहित यादव, चिराग, शेखर सिंह, प्रिंस मलिक, नियास, कमलेश खटीक, सुरेश, दिलीप दास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान टीम को विजेते का खिताब दिलाया। चौधरी ने बताया कि राजस्थान के विजेता बनने पर जिला वॉलीबॉल संघ बाड़मेर ने राजस्थान टीम के खिलाड़ी व प्रशिक्षक डॉक्टर शैलेश कुमार, राजेश कुमार, प्रभुलाल जाट व राम अवतार सिंह जाखड़ CEO, अनिल चौधरी महासचिव VFI को बधाई प्रेषित की। राजस्थान की टीम में बाड़मेर के SWML से अनुबंधित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिलीप दास के स्वर्ण पदक विजेता बनने पर अध्यक्ष सोन सिंह, सचिव हेमाराम चौधरी, कोषाध्यक्ष मूलाराम चौधरी, ठाकरा राम, दीपा राम, भीमा राम चौधरी, सुखदेव भादु, मदन लाल, किशोर गोदारा, चमन लाल, रविंद्र कुमार गौड़, पूनम चौधरी, मेहराम एवं SWML के CEO अनिल कुमार सूद, दिलीप कुमार सिंह, जनरल मैनेजर अनिता चंगानी, मैनेजर CSR ने खुशी व्यक्त की। What is it going to be? Rajasthan have one chance. And is that in? That is finished. Done and dusted. चौधरी ने बताया कि इससे पूर्व राजस्थान टीम ने इसी वर्ष 2 से 9 फरवरी तक गुवाहाटी में आयोजित हुई सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 71वीं नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए राजस्थान टीम ने फेडरेशन कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।